आज दिनांक 7/7/2020 क्लास 11 सब्जेक्ट है बायोलॉजी। टॉपिक है जगत प्रतिष्ठा का भूमिकरण, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिंगम लिंगम प्रतिष्ठा। तो उसके प्रतिष्ठा के लक्षण के बारे में कल बताया था, आज हम इसके वर्गीकरण के बारे में बताना है कितनी शाखाओं में इसका अध्ययन किया जाता है। तो जगत प्रोटिस्ट को मुख्यतः तीन समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, ऐसे प्रोटिस्ट जो पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इनको इंग्लिश में फाइटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। और दूसरे प्रकार के हैं कवक प्रोटिस्ट, जिन्हें अंजाई प्रोटिस्ट कहते हैं, क्योंकि उनकी जो कायिक संरचना है वो ऋतु जैसी होती है और जनकीय संरचना उत्पादन जैसी होती है, इसलिए ये अधिकांश दो जीवी होते हैं, इसलिए इनको अंजाई प्रोटिस्ट कहते हैं। दूसरे हो गए। और तीसरे हैं प्रोटोज्वन प्रोटिस्ट। प्रोटोज्वन प्रोटिस्ट में आपको पता है ये कोष के सूक्ष्म जीव आते हैं और जिनकी संपूर्ण जैविक क्रियाएं ये कोशिका में संपन्न होती हैं। तो अब पहला देखिए, इसमें पहला है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, इसमें एक कोष की यूकैरियोटिक जीवों के समूह को सम्मिलित किया गया है। ये सूक्ष्म जीव जल में तैरने वाले पादप फिलवर प्रकार के पादप शैवाल होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाने की क्षमता होती है। इन्हें भी तीन समूह में विभक्त किया गया है। पहला डायनोफ्लैजेलेट्स, इसमें आपके गोनियोलेक्स आते हैं। और दूसरे हैं क्राइसोपाइड्स, इसका उदाहरण है ट्राइसेरेसियम। और तीसरे हैं यूग्लिनाइड, इसका उदाहरण है यूग्लिना। तो ये सब जल की सतह पर तैरने वाले फ्लैजेलेट होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं। और डायनोफ्लैजेलेट में जिसमें फ्लैजेला होते हैं, इसकी संख्या दो होती है। ट्राइसोपाइड में उदाहरण दे दिया था, यूग्लिना में यूग्लिना होता है, इसमें सिंगल लंबा फ्लैजेला होता है। तो दूसरे प्रकार के हैं कवक प्रोटिस्ट, इनमें कायिक संरचना जंतुओं तथा जननीय प्रावस्था पात्रों के समान होती है, जो पहले ही बताया गया, इसलिए इन्हें फंगल एनिमल भी कहते हैं। ऐसी संरचना के कारण इनको फंगल एनिमल कहते हैं। ये मुख्यतः परपोषी होते हैं और अधिकांश वृद्धोजीवी होते हैं, उदाहरण के तौर पर सेलाइन मोल्ड्स और लाल मुर्गियों, ये इस प्रकार के कवक प्रोटिस्ट होते हैं। और तीसरे हैं प्रोटोज्वन प्रोटिस्ट। प्रोटोज्वन प्रोटिस्ट के अंतर्गत देखते हैं, इसके अंतर्गत एक कोष के सूक्ष्म जीव आते हैं। ये निम्न कोटि के सर्वाधिक सरल प्राचीन संरचना वाले प्रथम जीव हैं या जीव होते हैं। ये परपोषी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अंतर्गत अमीबाइड प्रोटोज्वन चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक अमीबाइड प्रोटोज्वन, नंबर दो सीडिएटिक, नंबर फर्स्ट योगे और सेकंड योगे सीडिएटिक प्रोटोज्वन, और तीसरे फ्लैजेलेटेड, और चौथे एक स्पोरोज्वन होते हैं, चौथे प्रकार के। तो इनको जो चार प्रकार के होते हैं इनको कहते हैं, अभी देख बता रहे हैं, इसका नाम है स्पोज्वंस, चलते हैं स्पोज्वंस। तो इस तरीके से चार इसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी प्रकार के प्रोटोज्वंस इसके अंतर्गत आते हैं, अमीबा से लेकर यूग्लिना। आज के लिए इतना ही शेष, अगले टाइम पर धन्यवाद।